नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना खोया हुआ फ़ोन कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड याद होना चाहिए जो उसमें लगा है। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि हम इस बार एक वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर आप ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के उस फ़ोन की एक्सेस लोकेशन एवं कितना चार्ज है और किस एरिया में चल रहा है ये पूरा प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। सर्वप्रथम आपको जाना होगा गूगल या क्रोम पर, तो हम अपना क्रोम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम अपने क्रोम पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ एक वेबसाइट विजिट करनी होगी जिस वेबसाइट का नाम हम यहाँ लिखेंगे, टाइप करेंगे फाइंड माई मोबाइल, FIND माई मोबाइल। तो हमारा जो फ़ोन खोया हुआ था वो सैमसंग का था, तो फाइंड माई मोबाइल .samsung.com पर हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ लोडिंग लेके वेबसाइट ओपन होगा और फाइंड माई मोबाइल लॉस्ट योर फोन डू नॉट पैनिक, फाइंड माई मोबाइल विल बी हेल्प यू लोकेट योर फोन टैबलेट एंड प्रोटेक्ट योर डाटा। ठीक है, यहाँ से आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड जो आपने उसमें लॉगिन कर रखा है वो आपको यहाँ एंटर करना है। तो यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करते थे जो उस फोन में हमारे में लॉगिन था। ठीक है, तो देखिए हम ईमेल आईडी एंटर कर दिया है, अब पासवर्ड और बच्चा तो पासवर्ड और दर्ज कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड हमने दर्ज कर दिया है और साइन इन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करते हैं तो ये जो ईमेल आईडी हमने यहाँ दर्ज किया और पासवर्ड दर्ज किया है ये फ़ोन हमारा कुछ ही दिनों पहले खो चुका है, इसकी लास्ट लोकेशन और कितना परसेंट चार्ज है पूरा नेटवर्क एक्सेस करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लोकेट फाइंड किया जा रहा है, लोकेटिंग योर फ़ोन, तो यहाँ पर ये खोज रहे हैं। यहाँ से हम उस फ़ोन को क्या कर सकते हैं, रिंग भी कर सकते हैं, उस फ़ोन को लॉक कर सकते हैं, उस फ़ोन को ट्रैक लोकेशन पर डाल के ट्रैक कर सकते हैं कहाँ चल रहा किस लोकेशन में। यदि चालू होगा फ़ोन तो यहाँ पूरा लोकेशन अपने पास प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, जो ये मोबाइल है या तो चार्ज नहीं है या तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा है उस फ़ोन से किसी का, तब यहाँ पर कुछ डेटा फाउंड नहीं कर रहा है, नहीं तो अभी कल परसों तो खुल रहा था लेकिन आज नहीं खुल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है उसमें। ठीक है, ट्रैक लोकेशन भी हम कर रहे हैं तो ट्रैक भी नहीं हो रहा अभी हाल में, जैसे ये कल ट्रैक हो रहा था लेकिन अभी फ़िलहाल में हमारे पास ट्रैक नहीं हो रहा, यानी हाल फिलहाल के लिए ये जानकारी सही है, बाकी ज़्यादा टाइम के लिए ठीक नहीं है क्योंकि व्यक्ति यदि उसे आपका मोबाइल यदि रीसेट कर देता है और जीमेल अकाउंट दूसरा क्रिएट कर लेता है तब ये सिस्टम वर्क नहीं करता है, बाकी इसके पहले वर्क करेगा और लास्ट लोकेशन बताएगा। या तो मोबाइल स्विच ऑफ है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, स्विच ऑफ में भी ऑन रहेगा लेकिन बट बैटरी नहीं होना चाहिए फ़ोन, या फिर उसने बैटरी निकाल दिया है तो यहाँ इसलिए लास्ट लोकेशन कुछ नहीं बता रहा, बाकी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फुल वर्क करता है अच्छी तरह से बट अभी ये कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से हम आपको और ऑप्शन बताते हैं, यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हैं फ़ोन को, तो लॉक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो लॉक करने के लिए यहाँ पर आप क्या लॉक करना चाहते हैं, स्क्रीन लॉक करना चाहते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो पावर ऑफ पर ही लॉक डाल सकते हैं, यहाँ से हम अपना फ़ोन लॉक कर सकते हैं, उसके पर स्विच ऑफ पर वो ना लॉक खुल पाएगा ना स्विच ऑफ खुल पाएगा, तो यहाँ से हम फिर उसको एक मैसेज छोड़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक मैसेज टाइप करने का भी ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ हम उसको कुछ टाइप भी कर सकते हैं जिस फोन फोन लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम मैसेज भी दे सकते हैं उसको कुछ भी, और यहाँ पर हम उसको फ़ोन को लॉक भी कर सकते हैं, तो जैसा कि हम अभी लॉक करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, और यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं उसी फ़ोन को और एक्सटेंड बैटरी लाइफ, यहाँ बैटरी चेक कर सकते हैं कितने परसेंट उस फ़ोन का बैटरी है, यहाँ से बैटरी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बैटरी भी चेक करना चाहते हैं तो देखिए प्रोसेसिंग तो पूरा टाइम ले रहा है लेकिन बट प्रॉब्लम ये है कि अभी एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो अगले वीडियो में हम आपको पूरा एक्सेस बत करके बताएंगे यदि एक्सेस कर लेगा तो। बाकी इस वीडियो में आप किसी भी फ़ोन को तुरंत ही यदि ट्रैक करते हैं तो तुरंत तो हो जाएगा, बाकी उसमें या तो वो फ़ोन डेड हो गया या कुछ और हो गया तब एक्सेस नहीं हो सकता, बाकी हाल फिलहाल के लिए जानकारी ठीक है, बाकी कुछ दूरस्थ दिनों के लिए नहीं है, हाल फिलहाल में आप चेक कर सकते हैं, ये वेबसाइट फुल अच्छा वर्क करती है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ज़रूर चेक करो, धन्यवाद।